डे स्टूडेंट्स इन दिस मॉड्यूल वी आर गोइंग टू डिस्कस सिंगल पेरेंट फैमिलीज़ जब हम फैमिली स्ट्रक्चर की बात करते हैं फैमिली इंस्टीट्यूशन के अंदर मैरिज और मैरिज डिजोल्यूशन की बात करते हैं तो ला मुला उसकी कॉन्सिक्वेंस की भी बात करनी पड़ेगी तो डिज़ोल्यूशन ऑफ़ मैरिज के बाद जो पॉसिबिलिटीज़ होती हैं उसमें ये होता है कि बच्चे जो हैं वो फिर सिंगल पेरेंट फैमिलीज़ के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं इसी तरह से आ, अगर मैरिज की डिज़ोल्यूशन के अलावा हम देखें तो आ, जो बेवा होती हैं या जो बच्चे यतीम हो जाते हैं उनको भी जो है वो सिंगल पेरेंट फैमिलीज़ के ऊपर रिलाई करना पड़ता है अपनी एग्जिस्टेंस तो और सर्वाइवल के लिए सिंगल पेरेंट फैमिलीज़ फॉर्मली थिंकिंग और फॉर्मली कंसिडरिंग आर इन विच one parent raises a child or children without the other parent present then these are becoming more and more common particularly in the western societies in pakistan if we see these single parent families are often headed by women who may have become divorced widowed or abandoned by their partners to choke single parent families ki wajah se jo sabse तरबियत के लिए सिर्फ किसी भी वालदेन में से किसी भी एक के ऊपर इनहिसार करना पड़ता है इससे ये होता है कि तरबियत के अंसर के अंदर जो वो एक ख़ला होता है वो रह जाता है और बहुत सी स्टडीज़ जो हैं इस बात को वेरीफ़ाई भी करती हैं कि जो सिंगल पेरेंट फैमिली के बच्चे होते हैं उनकी तरबियत उस तरह से नहीं हो पाती जैसे कि दोनों पेरेंट्स की मौजूदगी में होती है तो बहुत अहम रोल होता है पेरेंट्स का बच्चों की सोशलाइजेशन के अंदर चाहे वो बाप हो या माँ हो इन कंपैरिजन टू दैट सिंगल पेरेंट फैमिलीज़ के बच्चे जो हैं उनमें एजुकेशन की प्रोपेंसिटी रिलेटिवली कम होती है उनके अंदर जो क्राइम रेट है वो ज़्यादा होता है और उनके अंदर जो डिवियनसी की प्रोपेंसिटी है वो भी बढ़ जाती है तो बहुत सी ऐसी स्टडीज़ जो हैं इन फैक्ट्स को वैलिडेट करती हैं ख़ास तौर पर वेस्टर्न सोसाइटीज़ के अंदर जहाँ पर सिंगल पेरेंट फैमिलीज़ जो हैं बहुत ज़्यादा हैं और अनफॉर्चुनेटली ये ट्रेंड जो है चूँकि डाइवोर्स रेट हाई हो रहा है पाकिस्तान में तो पाकिस्तान के अंदर भी हमें इस ट्रेंड को ऑब्ज़र्व पाकिस्तान में भी इस ट्रेंड को ऑब्ज़र्व किया जा सकता है और बच्चों की तरबियत के हवाले से जब हम सिंगल पेरेंट फैमिलीज़ के डिफरेंट पॉसिबिलिटीज़ और उनके मसाइल के ऊपर देखते हैं ग़ौर करते हैं तो हमें ये अंदाज़ा होता है कि ना सिर्फ उनको एक्नॉमिक डिफ़िकल्टीज़ फ़ेस करनी पड़ती हैं बल्कि ऐसी सोशल डिफ़िकल्टीज़ भी हैं जिनकी वजह से ऐसी सिंगल पेरेंट फैमिलीज़ को स्टिग्मेटाइजेशन का सामना भी करना पड़ सकता है पाकिस्तान में चूँकि हमारे यहाँ ख़ानदानी निज़ाम जो है वो अभी काफ़ी हद तक स्ट्रॉग है तो ये पॉसिबिलिटी मौजूद होती है कि ऐसी सिंगल पेरेंट फैमिलीज़ ख़ास तौर पर वो ख़वा जिनके लाइफ पार्टनर्स जो हैं उनके साथ नहीं होते उनको जो है एक्सटेंडेड फैमिली से सोशल सपोर्ट मिल जाती है अनफॉर्चुनेटली गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ या गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूशनल uh, इंफ्रास्ट्रक्चर्स जो हैं वो पाकिस्तान में इस तरह के मौजूद नहीं हैं कि इस तरह की सिंगल पेरेंट फैमिलीज़ को फाइनेंशली या सोशली सपोर्ट कर सकें तो यहाँ पे जो सपोर्ट के मैकानिज़म्स हैं वो हमारी एक्सटेंडेड फैमिलीज़ होती हैं हमारे रिलेटिव्स होते हैं दोस्त अहबाब होते हैं सो इन सम केसेस दी एक्सटेंडेड फैमिली मेंबर्स मे हेल्प टू प्रोवाइड सपोर्ट एंड केयर फॉर द सिंगल पेरेंट फैमिलीज़

उसके परवरिश के पैटर्नस क्या हैं और उन बच्चों के क्या मसाइल हैं और किस तरह से वो बच्चे जो हैं वो उन मसाइल से नबरदाज़मा होते हैं और फिर ख़ास तौर तो पे ये देखा जाना चाहिए कि उन बच्चों का जो एजुकेशन प्रोसेस है वो क्या है आ, उनकी एजुकेशनल अचीवमेंट्स किस तरह की हैं और लेटर ऑन इन देयर प्रोफेशनल लाइफ वो किस तरह से एक्ट करते हैं